इधर दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। No? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मास्टर जी आके आ जाओ, मास्टर जी आप अपने करो भारत का पर्व, देश का करो भारत का पर्व, देश का करो भारत का पर्व, देश का करो भारत का पर्व। 25 को क्या है मतदान, 25 को क्या है मतदान, पहले मतदान फिर करे जलपान, पहले मतदान फिर करे जलपान, पहले मतदान फिर करे जलपान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे करे जलपान, पहले करे मतदान,
फिर करे जलपान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 25 मई को क्या करेंगे? चुनाव अब तक हो चुके हैं। छठे चरण में हरियाणा के चुनाव होंगे। 25 मई को हम लोगों ने मतदान करना है। अब तक हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार देश में जो पहले 3 चरणों में चुनाव हुए हैं, बहुत कम वोटिंग हुई है। हम लोगों ने इसीलिए निर्णय लिया कि लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली जाए, तिरंगा यात्रा निकाली जाए, ताकि लोगों को बताया जाए कि चुनाव आयोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है चुनावों के लिए, और आप अपना मतदान देने के लिए बाहर निकले। आपको हो सकता है कि कांग्रेस अच्छी ना लगती, हो सकता है भाजपा अच्छी ना लगती, हो सकता है और कोई पार्टी अच्छी ना लगती हो, इसके बावजूद आप मतदान करने के लिए जाएं। नहीं वोट डालना, नोटा को वोट डालें, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ाएं। वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे तो ये लोकतंत्र का महापर्व हम सब के लिए है।
हम सब बातें तो करते हैं कि अच्छी सरकार नहीं थी, अच्छा विधायक नहीं चुना गया, अच्छा सांसद नहीं चुना गया, लेकिन अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम बोल सके। इसलिए सबसे पहले हमारा अधिकार है कि हम अपने मतदान का प्रयोग करें। हमने आपके सामने स्लोगन भी लिखे हुए हैं कि पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आप सबको पता है कि यह पर्व 5 वर्ष के बाद आता है और 5 वर्ष के बाद आप 5 मिनट भी देश के लिए नहीं निकाल सके, अधिकार है। हमें शर्म आती है अपने लोकतंत्र पर कि आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप लोग घर से नहीं निकल पाते, आप कहते हो गर्मी है, गर्मी के अगर आप अपने सुख दुख में शामिल होने के लिए तो जाते हैं, तो मतदान एक महापर्व है, इस पर्व पे शामिल हो, ये एक किस्म का दान है। आप देश के लिए इतना तो फर्ज है आपका कि 5 मिनट के लिए निकल कर चुनाव के लिए वोट डालने के लिए पहुँचे। मेरी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए निकले, इस पर्व का हिस्सा बने। भारत माता की। आप सब ने जो भी जाके वोट डालने हैं और अपने अपने माता पिता को जाकर कहना है कि सब वोट डालें, वोट अवश्य डालने हैं, सब ने डालने हैं 25 मई 2024 को सब वोट डालें। सब भारत देश के नागरिक आज ये शपथ लेते हैं कि हम 25 मई मतदान दिवस को सभी मतदान करेंगे और अपने साथी माता पिता पड़ोस पड़ोस में रहने वाले कोई भी जो व्यक्ति है सभी को जागरूक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की कोशिश करेंगे, अपील करेंगे। जय हिंद। बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं और हमारा भी ये दायित्व है कि हम जो नागरिकों को इनक्रेज करें कि वो अपना वोट और मतदान करें, तो इसके लिए हमने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। हमने RWAs जितने हैं शहर में उनके साथ मीटिंग भी की है और उनको प्रोत्साहित किया है कि वो वोटर अवेयरनेस की रैलीज निकालें। साथ ही साथ हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमने इनके साथ भी पार्टनरशिप में काफ़ी पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, क्विज कंपटीशन किया है, ताकि जो स्पेसिफिकली कॉलेजेस में भी, ताकि जो 18 साल की एज के बाद जो न्यू वोटर्स हैं वो भी अपना राइट टू वोट यूज़ करें। तो मेरा सभी से यही अपील है कि जो है मतदान की तिथि है 25 तारीख, तो 25 तारीख को सभी अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें और इसमें सभी एक साथ जुट मिलके और इसमें सब अपना योगदान दें। मेरा नाम दीक्षिता है, मैंने अपनी वोट बनवा ली है और इस बार मैं वोट देने जा रही हूँ और मैं अपने मेरा नाम दीक्षिता है मैंने अपनी वोट बनवा ली है और हमारे हरियाणा में 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। मैं अपनी वोट उस उम्मीदवार उसको दूंगी जो हमारी लड़कियों की सहायता करेगा। मेरा नाम निधि छाबड़ा है और मैं इस साल पहली बार वोट डालने वाली हूँ और मैं उसी को चुनूंगी जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए और खासकर औरतों के हित में काम करेंगी। हमारे स्टेट हरियाणा में जो वोट होनी है वो 6ठे चरण में है जो कि 25 मई को है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस बार वोट डालने जा रही हूँ। किसी रीजन की वजह से मैंने पहले वोट नहीं दिया पर इस बार मैं प्राउडली उसी को वोट करूँगी जो हमारे देश के लिए और हमारे लिए सोचेगा। जय हिंद। मेरा नाम अंजलि है, मैं इस बार पहली बार मतदान करूँगी। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ 25 तारीख को हरियाणा में मतदान होने जा रहा है। मैं अपना मत उस प्रत्यक्षी को दूंगी जो हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। मेरा नाम हरसिमरन है और मेरा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूँ और मेरा वोट केवल उसी कैंडिडेट को जाएगा जो हमारे राष्ट्र की शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा और केवल हम उसी को वोट देंगे। और है, मैं DAV कॉलेज से हूँ। मैं कई सालों से मतदान कर रही हूँ पर इस बार मेरे मतदान करने का यही मोटिव रहेगा कि जो भी पार्टी हमारे लिए, हमारे देश के लिए या हमारी लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कार्य करें
तो वही पार्टी डिजर्व करती है कि हम उनको मतदान दें। मैंने अपने बच्चों को भी यही बोलना है कि बेटा आपने वही अपना मतदान करना है जहाँ आपको लगे कि आपकी सुरक्षा है या आपके लिए कुछ किया जा रहा है या हमारे देश के लिए कुछ करा जा रहा है। तो उसी में हम खुश हैं कि हमें ऐसी कोई पार्टी आगे आए जो हमारे इतने टाइम से जो हमें अपने प्रॉमिस करे गए हैं कि हमने ये करना है ये करना है, आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी भी कामनाएं वो पूरी हुए और हमारे देश की भी और आने वाली हमारी बच्चियों की भी सुरक्षा में जो इतने हादसे हो रहे हैं रोज़ रोज़ हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है कि ये हो गया ये हो गया। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चियाँ भी वहीं ही वोट दें जहाँ उनको अपनी सुरक्षा नज़र आती है। हाँ जी। और हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने ये भी सोचा था कि 75 साल हो गए हैं कि हमारे देश का कुछ ना कुछ आगे उद्धार हो, पर वहीं सारा कुछ चल रहा है। हमारा देश वहीं का वहीं बैठा हुआ है, वहीं का वहीं अड़ा हुआ है। हमारी कुछ भी ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं हुई हैं कि हमारे देश के लिए कुछ करा जाए। वही नारे चल रहे हैं, वही प्रॉमिस चल रहे हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जो पुराना देश था वही आज है हमारा, वही कंडीशन पहले थी वही कंडीशन हमारी आज है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी मनोकामनाएं पूरी हों।